हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सबके। आज है दिन मंगलवार और देखिए यथार्थ को सोफे पे कैसे लेटा हुआ। वैसे को देखिए रेस पे जाने वाले थे। रेस तो वाली इनकी बस है। अच्छा, 5:30 बजे आपको उठाया था। मुझे कौन सा रेस लगाने दी बेटा, तुमने लगाने दी रेस। तो देखिए बहानेबाजी चल रही है यहाँ दोनों की। चलो उठ जाओ फिर। ये देखे सुबह सुबह लड़ रहे हैं दोनों। माँ बेटा किस बात से लड़ रहे भाई? यार मैं दोनों को डांट रही थी। क्यों डांट रहे? मैं इसलिए डांट रही थी भाई, जो कर लो काम नहीं, बार बार बोलना पड़ रहा है तुम्हें। कह रहे तू मुझे मुझे कह रहे कह रहे उठ ले भी। मुझे सारा पता ही नहीं, इसके क्यों डांटते हैं? ना ले फटाफट चल। अब नाम लेने की कहूंगी। आशु ये डांट दे रही है, वाली डांट दे रही है, ठीक है, जिसमें दो गालियां फालतू होंगी, ठीक है। में डाल दे। शाम को भी देख लेगा बेटा, थोड़ा बहुत किसमें जरूरत है किसमें नहीं। मैं कुछ क्यों नहीं देता, मतलब जब इतनी सी गर्मी हो। इतनी सी कितनी गर्मी हो? देखो मैं रोज सुबह दे देते हैं हम पानी, तो फिर ना यही है ऐसे प्लांट्स पापा जो लेट तक नमी रखते हैं। इतना बड़े गमले में और उनमें छोटे गमले में फर्क भी तो रहता है। जैसे ये देख लो सैड प्लांट को इतनी नीड नहीं होती, इसे ना हफ्ते में एक बार ही देना होता। तो हफ्ते में एक बार ही देना होता है। जैसे कैक्टस होते है ना, कैक्टस की तरह ये भी सेव करता है पानी अपने इन पत्तों में। इस वजह से ले दोनों तुम फिर लग गए। लो पैसे पकड़ो। अरे वो अरे नहीं, ब्रेड का पैकेट पकड़ ले ले वहां से जा फेरी से ना, और उसकी डेट जरूर देख के ले बेटा। दोनों जाओ। मेरा आपसे लंबे वाल है। आहो हाँ। इतने लंबे वाल का है जो छोटे हैं, कटिंग करवाने वाले हो रहे। आपके छोटे हैं? अरे देख मेरा मास्टर भी तो बड़ा। मेरा बड़ा बड़ा भाई। अब हम खाएंगे सैंडविच खाएंगे। ब्रेड जब भी ले दोस्तों तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ना एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते हैं। ये चीज ना यहाँ से उठ रखी है, देखो। हाँ ये चीज उठती है, सिलन की वजह से। कई दिन रखा था ना वहाँ पे, बारिश बुरिश आई थी तो उसकी वजह से सिलन हो गई। तो अब हम खाएंगे सैंडविच और यथार्थ और आशु ने खा लिए हैं। आलिन अच्छे लगे, टेस्टी वाले। एक कहता फिर मैं भी खा लेता हूँ। आलू वाले पसंद नहीं है, ये वाले ज्यादा अच्छे। आलू वाले पसंद नहीं है, सैलेड वाले। सैलेड वाला अच्छा लगता है। चलो ठीक है फिर, ओके। तो हम जा रहे मासी के घर। यहाँ मासी के यहाँ पे रेंट पे म्यूजिक वाले सर रहते हैं, जो कि एक एकेडमी में गिटार सिखाते थे। तो फिर उनसे बात करने जा रहे हैं हम कि वो मेरे को गिटार सिखा पाएंगे कि नहीं। वहीं जाके मिलते हैं आगे। काश भगवान करे कि मेरे को वो ज्यादा टाइम दे सके और मेरे को गिटार सिखा सके। छुट्टियों में कुछ फायदा उठा लीजिए। गाइस तो हम आ चुके हैं मासी के घर। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर से। बिल्कुल गांव वाले घर जैसा। गांव वाले क्या चल रहा है? चल फिर खेल तो सकती हैं। मम्मा जा रही है मासी के पास। यहाँ पे मेरे दो भाई भी रहते हैं, जतिन नितिन। आज वो स्कूल गए हैं, उनका पेपर है, मेरे खत्म हो चुके हैं। और यहीं ऊपर रहते हैं भैया, वो जो सर है उनसे मैं सीखूंगा। ये भी आएगा साथ में, ये रही जतिन सिंह की साइकिल।
यार खेलने मन कर रहा है, खेले नहीं है घर पे, बाहर ही रहो दोनों, जाओ। शर्म तो तुमको है नहीं है बिल्कुल भी, फ्री होने का मतलब ये नहीं होता बेटा, ना धूप देखते हो ना कुछ। आशी इतने बड़ा हो गया बेटा, तू भी देख ले ऐसे ही हरकतें करता है। धूप पता कितनी हो रही है बाहर। अरे पता है इतने चिकने खड़े हैं, इनको कह दिया ना बाहर ही रहे तो बाहर ही खेलने लग जाएंगे, मतलब यूं नहीं सोचेंगे, ये बात गुस्से में कही जा रही। देख ले सारे फेंक दो। मैं निकाल दिया बता रहे, कहां निकाल दिया घर से, देखे बाहर रहने के मतलब थोड़ी ना घर से। सारे दिन डांट खाते रहते दोनों। नहीं तू क्या कह के गया था, बुलाया नहीं आपने? नहीं मैं ही बुलाऊंगी, क्यों? सारे दिन का मैं कैसे बात कर, ये देखिए डांट पड़ रही है दोनों को। डांट अच्छे से दो तीन लगा दे इनके सेट। हो मम्मा के साथ गए थे तुम? हाँ जी। तो फिर क्या हुआ वहाँ पे? मेरे को कुछ नहीं है। फिर वो कहते कि क्यों गिटार में क्या कमी थी, बताया नहीं उसने क्या कमी है? कहते कि इसमें साउंड वो नहीं होगी। अगर तुम्हें लेना है ना गिटार तो मेरे द्वारा ले लेना। नहीं क्यों लेंगे हम एक्स्ट्रा गिटार जब हमारे पास ऑलरेडी गिटार है, बेटा किसी और से देखेंगे अपना। और ये मम्मा समझा रही थी, कुछ समझते क्यों नहीं तुम, सारा दिन लड़ाई करवाते रहते हो। धूप भी ज्यादा हो रही है और फिर कालापन भी आएगा तुम्हारा सुंदर सुंदर चेहरा, ये गौरी मुलायम तो अच्छा नहीं। नहीं ये तीनों खेल रहे हैं अब एक गेम, आप ही बीच में बैठो तो उसने हाथ एकदम ऐसे रखा होता ना तुमने तो हाथ नहीं बीच उधर वाले भी हाथ में बात मारना। लग गया अभी
बीच में पहले दूर से ही मारते हो तुम, तुम्हारा नंबर जल्दी जल्दी आ रहा है, खेलना नहीं आ रहा है। ये तेरी मम्मा की बात याद है, तेरी मम्मा के साथ अरे तुम नहीं खेल रहा भाई, यही मारा है तुमने। मारने का गेम तो बढ़िया विनर है इसमें, क्योंकि आंसू की टर्न ज्यादा आई है इसमें। सेकंड में हूँ, पापा की दो बारी आई। ये दोनों ना चीटिंग कर रहे थे, ये जैसे हाथ दूसरी तरफ जाते हैं ना, दूसरी तरफ ही मार देते थे। इसकी चार बारी आई, मेरी तीन बारी, पापा की दो बारी, दोनों चीटिंग करके खेल रहे। मैं बिल्कुल सही। तो गाइस देखिए आज घिया की सब्जी बनी और साथ में लस्सी, तो गाइस आप भी खा लीजिए। गरम थी इसमें, छोटे मार ठंडी हो जाए बाद में खाऊ। पापा की साइड और को पड़ेगी है, पापा मार खाने वालों में से नहीं है। मैं तो बेचारा शरीफ सा बच्चा, मैं तो खा गया आराम से। क्या कह रहा, मार खाने वालों में से नहीं, मारने वालों में से। कब पीटा मैंने मम्मा को तेरी बता पहले, शॉर्ट वीडियो दी रहा हूँ, ऐसे किया था बस। शॉर्ट वीडियो में आपने पूरा पता नहीं जोर से मारा उसे, तो चक्कर में मुझे अभी मैं उसकी क्लिप ऐड करूंगी। रीटेक तो लेने पड़ते हैं ना, तीन चार बार ऐसे करके। और वो मारने का सीन था, एक तो इतनी जोर से मारा, ऊपर से तीन चार बार रीटेक ले लेके मेरी हिंदी बजा दी इन्होंने। कोई नहीं, अगली वीडियो कोई ऐसी होगी ना फिर मैं बढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं सारी मारने वाली बनाऊंगा वीडियो तुम्हारा। ये देखिए इसके बाल कटवा दिए, दिखावे काट तो नहीं, नहीं। तो ए, 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 ए। हम थोड़ा ए, ए। इसका नाम क्या था, मैं तो भूल गया। डोजी नाम इसका, डोजी। ये राघव का डोगी है छोटा, सिट जो। और पग भी तो ऐसे होता, बड़ा फोन टाइप से का थोड़ा। अच्छा ये उससे छोटा है, अब बेटा मौज करती। ये फीमेल डॉग है ना बेटा, इसके अंकल इतने बड़े बाल थे। अरे कुत्ते हो जा रहे, दिख भी नहीं रहे थे। पहले जब हम करें व्लॉग का है तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और साथ में सब्सक्राइब तो भूलना ही मत। गुड नाइट सभी को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।